वेलकम बैक। आज हम सेंटा क्रूज बीच में, और मैं जिस बीच में खड़ा हूँ वो वुडन बीच है। 100 ईयर्स हो गए हैं। अगर इसको वुडन बीच इसलिए बोलते हैं, इसका पूरा बेसमेंट वुड से बना हुआ है, और 100 साल से ये सबसे लंबा ब्रिज बोला जाता है जो वुडन स्ट्रक्चर पे खड़ा हुआ है। हम सेंटा क्रूज बीच के लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, और बोल सकते हैं ये धरती का एक छोर है, इसके बाद पूरा समुद्र है, और फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जापान वो आएगा, वो भी काफ़ी किलोमीटर बाद। तो बोल सकते हैं ये वीडियो शूट हो रहा है इस धरती के एक्सट्रीम एंड लैंड पे। यहाँ पर लोग फिशिंग कर रहे हैं, और आपको कुछ आवाज आ रही होगी। ये नीचे में इसको क्या बोलते हैं, वेल टाइप के जानवर को, मछली प्रकार ये आवाज कर रही है। कितनी सारी है, स्नेल बोलते हैं आई थिंक। यस, बहुत जबरदस्त आवाज। सब आज संडे का दिन है, सब अपने फैमिली के साथ में आए हैं यहाँ पर, और वो देखिए दूर पे आपको एक लाइट हाउस दिख रहा होगा, वहाँ पर जाऊँगा मैं भी थोड़ी देर बाद, जा चुका हूँ पहले भी। और यहाँ से ऐसा चलते चलते वहाँ पर आपको बहुत सारे झूले दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं ब्रॉड वॉक। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा, खेलने के लिए बहुत सारे बच्चे आते हैं खेलने के लिए। आज तो बहुत ठंडी है, मुझे लग रहा है 14 डिग्री के आसपास होगा, तो थोड़ी भीड़ कम है, अदरवाइज़ यहाँ बहुत भीड़ रहती संडे को। अभी सनलाइट आना चालू हो गई है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये भाई साहब कुछ योगा कर रहे हैं या मार्शल आर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर फास्ट फूड लोग बहुत खा रहे हैं, ब्रेड जैसा कुछ। व्हीकल आप यहाँ तक ला सकते हैं। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ठंडा होगा इतना, मैं तो एक टी शर्ट पहन के आ गया, पर अच्छी बात यह है कि फुल टी शर्ट है तो मुझे उतनी ठंडी नहीं लग रही, और सनलाइट आ गई है, खुशी की बात है, नहीं तो बहुत ठंडी लग रही थी। आई एम श्योर जितना खूबसूरत दोपहर को लग रहा है, रात को भी इतनी अच्छा लगता हुआ ये लाइट्स पूरी लगी हुई हैं। सबसे लंबा स्ट्रक्चर वुडन बेस पे। हम जा रहे हैं उस साइड जहाँ पर वो झूला आपको दिख रहा है, काफ़ी टाइम लगेगा वैसे, बाई वॉक जाना है। हम वहाँ थोड़ा ऊपर चढ़ के देखते हैं, शायद कुछ और व्यू मिले। सनलाइट बहुत अच्छी लग रही है।
पानी एकदम गोल्डन हो गया, पर मुझे समुद्र की आवाज आती है वो नहीं आ रही।